नहीं रहे तो अभी फिलहाल सीखना नहीं। मैंने उनको सारंग के एक नाटक जी एग्जैक्ट इंदौर में अभिनय करते हुए गाते हुए सुना था, अद्भुत उनका वो था। तो संगीता ये बताइए कि कुछ चाहिए तो फिल्म संगीत में आप दोनों जॉनर्स में गाती हैं, लता जी को भी गाती हैं, आशा जी को भी गाती हैं। हम लोग जो फिल्म संगीत पर कभी कभी लिखते हैं तो लता जी के बारे में अलग 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 हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। आप गाती हैं तो आपको क्या लगता है लता जी को जब आप गाते हैं, व्हाई शी इज सो स्पेशल? मेरे लिए तो वो बिल्कुल, मैं भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानती हूँ तो मेरे लिए तो कृष्ण प्रेम जो है वो उनकी आवाज़ से मुझे दिखाई देता है, उनकी आवाज़ में दिखाई देता है, तो मेरे लिए तो वो कृष्ण प्रेम ही है। मतलब उनके एक भगवान के प्रति जो एक जीव का प्रेम होना चाहिए वो अगर हम प्रकट करना चाहें तो उनके आवाज़ के ज़रिए प्रकट किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जब से गाना शुरू किया और जब से मैं लता जी को फॉलो करती आई हूँ तब से मैं जब गाती हूँ तो मुझे भगवान कृष्ण के लिए मैं गाती हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं गाती। क्या बात है। कभी मिलने का मौका मिला दीदी से? दीदी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। आशा जी से मिलने का मौका मिला है लेकिन दीदी से नहीं मिल पाया। आशा जी के गाने में और लता जी के गाने में जब आप दोनों गानों को गाती हैं क्या लगता है, क्या फील का डिफरेंस क्या है दोनों में? लता जी का गाना जो है वो बिल्कुल डिवाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो ये सांसारिक है। आशा जी का गाना सांसारिक ज्यादा है। जी मतलब सांसारिक तो है ही, वो चंचलता, वो सारे जो एक एक्सप्रेशंस जो होने चाहिए वो आशा जी के गाने में ज़रूर है। और थोड़ा सा मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बिल्कुल अलग जॉनर है और अलग स्टाइल है दोनों का गाने का, लेकिन लता जी का गाना मुझे ज़्यादा भाग जाता है बिल्कुल दिल को, दिल को क्या आत्मा को। आज इंदौर आना कैसा लगता है? इंदौर आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत सालों से आ रही हूँ इंदौर और कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। मुझे मुंबई जैसा ही लगता है कि मुंबई जैसा जो मुंबई का जो क्राउड है, जो संगीत प्रेमी है वो मुझे यहीं पे दिखाई देता है बिल्कुल, ऐसा नहीं लगता कि मैं मुंबई को मिस कर रही हूँ कहीं पर भी। तो अपने आप के लिए जोरदार तालियां शुरुआत आपने की तो ऐसे ही मतलब म्यूजिक शोज से की थी आपने जब किया? नहीं, सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो मैंने किया था हमारे यहाँ मुंबई में उस टाइम में, जैसे 89-90s के टाइम पे, उस दौर में गणेशोत्सव जो हुआ करते थे, तो गणेशोत्सव में म्यूजिकल प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो सबसे पहला मुझे जो मौका मिला गाने का वो हमारे यहाँ एक पास में ही गणेश मंडल है वो वहाँ पे मिला था, तो मैंने वहाँ से शुरू किया गाना। और बहुत उस दौर में बहुत क्राउड आता था क्योंकि वो ओपन शोज हुआ करते थे। मतलब जैसे गणेश मंडल है तो एक स्टेज बांध दिया और हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं बस। तो उस कार्यक्रम से मेरे गाने आपके मेरे आपके बीच में और मेरे बीच में एक चीज़ कॉमन बिल्कुल सेम है। मैं भी गणेश उत्सव से शुरू हुआ लेकिन बहुत अच्छा अनाउंसमेंट नहीं कर पाया, ये था कि जल्दी आइए आरती का समय हो गया है, इतना ही बोलने को मिला था, इससे ज्यादा बोलने को ऊपर ले गणेश उत्सव ही था। मेरे जीवन में पहला माइक्रोफोन जो था वो साकेत में गणेश उत्सव था और जो बोलते थे उस दिन के आने में लेट हो गए, तो हम तो ऐसे ललकते थे बोलने के लिए आज बोलने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा चलिए शुरू कीजिए। तो मैं पहली बार साकेत में 1977 में ऐसे बोला था जल्दी जल्दी आइए 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 आरती का समय हो गया है, और फिर आरती होती थी बाद में प्रसाद बंटता था तो मौका मिला। तो गणेश जी सबके लिए कृपावंत हैं और हमारी बातचीत अभी एक फिलर थी क्योंकि संगीता से ऐसे बातचीत करने का मौका मिलता नहीं, तो ये बातचीत भी हो गई, उनको जानने का मौका भी मिला। और लीजिए आप तालियों से स्वागत कीजिए, सरोजी महमूद आ रहे हैं।